इस क्लास में हम अगली सीरीज पे बात करने जा रहे हैं। हम चार्ट ही बनाना चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपका डेटा एक्सेल सीट पे होता है। तो इस एग्जांपल में हम आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हम डेटा को चार्ट के अंदर ही रखना चाहते हैं, डेटा किसी एक्सेल सीट पे नहीं होगा। मेरा डेटा किसी एक्सेल सीट पे नहीं होगा, वो चार्ट के अंदर रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने चार्ट बनाया, यहाँ पे हमने चार्ट बना दिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो हट जाएगा, या हाइड कर दिया फिर भी चार्ट आपका नहीं दिखेगा। सो मुझे डेटा को शो नहीं करवाना है। हम चाहते हैं कि मेरा डेटा, मेरा जो चार्ट है, वो चार्ट इसी के अंदर हो। तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सीरीज का फॉर्मूला समझाया था ना, ये देखिए। तो सीरीज के फॉर्मूले में सीट को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इसके नंबर हम डाल देते हैं, 85, 36, 45, 62। और फिर इसको हम डिलीट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं जैन। जो सीक्वेंस है आपके डेटा का सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में रखेंगे आप। मार्च, अप्रैल और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और यहाँ जो टाइटल है वो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में जो टाइटल देना चाहते हैं वो दे दीजिए, सेल्स। अब मैं यहाँ एंटर मारता हूँ तो देखिए डेटा से मेरा लिंक हट गया। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरा जो डेटा है वो चार्ट के अंदर ही है, तो इसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, समझ गए? तो ऐसे चार्ट हम कहाँ यूज करते हैं? जहां हमारा फिक्स डेटा होता है। डेटा जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन होता है, इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, कमीशन रेट्स होते हैं, कमीशन कंट्रीब्यूशन होता है उस पे। जैसे कि मान लीजिए ना, टिकट, ट्रेन का ही टिकट देख लीजिए, तो उसकी कंट्रीब्यूशन है ना कि कस्टमर से कितना लिया जा रहा है। 41% फेयर जो है वो फेयर आपका गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देती है, तो इस तरह कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है ना। तो उस केस में उसको हम डैशबोर्ड जब शो करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे चार्ट बनाने के लिए पहले डेटा को एक्सेल सीट में रखना होगा, फिर चार्ट बनाना होगा, फिर इसका यूज कर सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपना लाइन चार्ट ही यहाँ से इंसर्ट कर लिया, मैं एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? ब्लैंक चार्ट, इसका कोई लिंक नहीं है। फिर इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ और यहाँ ऐड पे सीरीज पे आऊंगा, सीरीज नेम यहाँ दे देता हूँ सेल्स 2020, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में अपना डेटा दे देता हूँ कि 20, 30, 40, 50, एंड ओके करता हूँ। यहाँ सीरीज क्रिएट हो गए। और यहाँ एक्सिस के लिए हम वापस एडिट पे आते हैं और यहाँ हम जैन, इसमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट खुद ब खुद लगा जाता है। फेब, मार्च एंड अप्रैल यहाँ कर देते हैं एंड ओके एंड ओके। तो ये आपके सामने, समझ गए? इस तरह से हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज कि मेरे पास दो अलग अलग सीट पे डेटा है, तो क्या हम उसको एक सीट पे चार्ट लगा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है और यहाँ हमने नेम दिया हुआ।
दो अलग अलग डेटा है और उसको मैं तीसरे शीट पे चार्ट लगाना चाहता हूँ। तो अगली एग्जांपल मेरा यही है।